सिर्फ ये दो जो रबड़ लगी हुई है, इतनी ज्यादा आवाज ये रबड़ कर रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बाइक चला रहा था, इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास बजाज की पल्सर 125 सीसी बाइक है और ये बाइक में प्रॉब्लम है डिस्क ब्रेक से लेके। जब मैं इस बाइक को चला रहा था, गड्ढे में लेके मैं जाता था, जब इसके डिस्क से आवाज खट 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 करके आती थी, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि कोई चीज लूज हो गया या बहुत ज्यादा टूटने वाला है, ऐसी आवाज आ रही थी। जैसे ही हम खराब रोड पे चलाते हैं, जब भी आवाज आती है खट 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 करके कंटिन्यू आवाज आती है, तो ये जो आवाज आ रही थी डिस्क ब्रेक से। अब मैं यहाँ पे देखो इसकी प्ले चेक कराता हूँ। ये देखो, देखना ये अभी, ये इसमें काफी ज्यादा प्ले है। देखो ये बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, जब हम बेकार रोड पे चलाते थे तभी इसमें से आवाज आने लगती थी और बहुत जोर आवाज करती थी, बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाइक में बहुत ज्यादा कमी है। तो चलो मैं ये चीज बताता हूँ, खोलता हूँ, चेक करता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं ये सही कैसे होगी। तो सबसे पहले हम जो 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं डिस्क ब्रेक कैलिपर के, उन्हें खोल लेते हैं। दोनों 12 नंबर के होते हैं, इन्हें खोल लेते हैं, डिस्क कैलिपर बाहर निकालते हैं। तो इसे मैं देखता हूँ, देखो ये कैलिपर, देखो ये प्ले, ये है प्ले, इसमें इसी की आवाज ही आ रही थी। जब मैं ब्रेक दबा लेता था, हल्का सा टैप कर देता था, तो आवाज़ बंद हो जाती थी। तो इसे मैं बाहर निकालता हूँ, पहले इसके जो पैड है, पैड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये दोनों पैड को एकदम से बाहर नहीं निकालेंगे, बस इसे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से उठा देंगे, ये अपने आप चलाएगा। आप पिस्टन थोड़ा सा दबा देना है बीच में डाल के और स्क्रू ड्राइवर को घुमा देना है, ये पिस्टन अंदर दब जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रेक पैड है, आराम से कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। ये देखो ये आ गया, दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, ये भी निकल गया। अब इसका ये वाला पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे रबड़ लगी होती है, ये रबड़ लगी हुई है, देखो ये रबड़ कटने की वजह से डिस्क में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, खट खट करके आवाज़ आएगी जब आप खराब रोड पर चलाओगे, जब आवाज़ आएगी। और इसे मैं यहाँ पर लगा के देख लेता हूँ, देखो ये इसमें प्ले है, रबड़ ख़राब ही है, पूरा दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद इसकी रबर को चेंज करेंगे, नई रबर डालेंगे, बताएंगे आप लोगों को कैसे इसे चेंज करना है। इसमें लगा के देखते हैं पहले यहाँ पे, ये देखो ये तो और ज़्यादा हिल रहा है। चलो इनकी रबर जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, ये आराम से निकल जाएंगी। ये देखो ये बाहर आ गई। अब इसके साथ जो दूसरी वाली रबर इसमें लगी हुई, ये तो आराम से निकल जाएगी। ये चलो निकालते हैं और फिर इसकी क्लीनिंग करते हैं खूब अच्छे तरीके से। ये निकल गए, ये दो रबर चेंज करेंगे तो आवाज़ 100% बंद हो जाएगी, लेकिन ये दो रबर लेने के लिए हमको फुल किट लेना पड़ता है। चलो मैं बताऊंगा, पहले ये पूरा क्लीन कर लेता हूँ मैं, जितना ये पैड वगैरह लगे हुए हैं, पैड भी बिल्कुल घसने वाले हैं, एक सर्विस चल जाएंगे ये, तो ये चेंज नहीं करेंगे, एक सर्विस के बाद इसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी एक सर्विस आराम से चल जाएंगे। बाकी पूरा क्लीनिंग करते हैं इसके डिस्क कैलिपर की। हमने यहाँ पर देखो पूरी डिस्क की क्लीनिंग कर लिया है, जितना हुआ उतना कर लिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था क्लीन। बाकी चलो अब जो है ये भी क्लीन कर लिया है पूरा, और इसका जो रबर किट है, रबर किट ये रहा, तो इसकी रबर किट ये देख लो। और इसकी एमआरपी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है WC रबर किट पल्सर KBX, मतलब पल्सर बाइक की लग जाएगी, कोई भी पल्सर हो लग जाएगी सब में। इसकी प्राइस वगैरह भी देख लेना। और उसके बाद अब हम इस रबर को निकालते हैं। ये देखो ये पूरा किट आएगा, मैं खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या है किट के अंदर, ये जो रबर हैं। चलो सारी ओरिंग होंगी, दो रबर होंगी और एक जो होगा प्रेशर वाला बोल्ट के पास जो रबर होती वो होगा। ये इसमें से क्या क्या लगेगा हमको, ये जो है ये वाली रबर, ये गोली वाली, ये नहीं लग पाएंगी। इन्हें चेंज करने के लिए हमको इसका पिस्टन बाहर निकालना पड़ेगा, जो मैं निकालना नहीं चाहता क्योंकि वो बिल्कुल सही है। तो ये वाली रबर हम चेंज नहीं करेंगे, इसे मैं साइड में रख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये ख़राब होती नहीं जल्दी, बहुत पुराना हो जाता है जब ये ख़राब होती हैं, बाकी जल्दी ख़राब ही नहीं होती ये वाली रबर। अब ये वाली जो रबर है, ये यहाँ की है, ये वाले बोल्ट की, तो अगर चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, अगर ख़राब हो गई है तो।
और अगर ख़राब ना हो तो इसे रख लेना, बाद में कभी लगवा देना। और अब जो ये रबर तो हमारी लगने ही वाली है, तो चलो इन दोनों रबर को लगाना कैसे है वो आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम ये वाली रबर लगा लेते हैं। अब इसे यहाँ पे लगाना है, तो इसे यहाँ से देखते हैं लगा के, इस साइड से नहीं, इस साइड से चली जाएगी। हाँ, इस साइड से दब रही है बिल्कुल आराम से, तो इस साइड से इसे डाल देंगे। और उल्टी रबर नहीं लगाना, जैसे मैं लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसी तरीके से रबर लगाना है। ये आराम से ना जाए तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, ऑयल लगा लोगे तो भी बैठ जाएगा आराम से, लेकिन ऑयल अगर लगा लेंगे तो ये फिर बाहर हाथ से कोई खींचेगा तो भी चली जाएगी। ये देखो स्क्रू ड्राइवर जो मैंने लिया है, इसमें ज़रा से भी जो धार रहती है स्क्रू ड्राइवर की वो नहीं है, बिल्कुल ये समझ लो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उसी समय से अंदर कर रहा हूँ ताकि रबर फटे नहीं। इसमें अगर मैं ऑयल यूज कर लूँगा तो कोई भी अगर बाहर से इस रबर को खींच लेगा तो ये रबर हाथ में उसके आ जाएगी, इसी वजह से मैं इसमें ऑयल यूज नहीं कर रहा हूँ और ना करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट है तो फिर लगा लो हल्की फुल्की, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक रबर हमने लगा दिया है, ये बैठ गई, घुमा के चेक कर लेना। अभी जो दूसरी वाली रबर है वो इसके अंदर लगेगी, यहाँ पे नहीं नहीं यहाँ पे लगेगी शायद, हाँ यहीं पे लगाएंगे। इसको भी बिठाना है, देखो जिधर का होल बड़ा है वो ऐसे बैठेगी, और इसे यहाँ पे देखो खाँचा प्रॉपर है बैठाने के लिए, ये बैठ गई। एक तरफ होल बड़ा होगा एक तरफ छोटा होगा, तो छोटा वाला ऊपर की साइड में रखना है और बड़ा वाला अंदर कर देना है। अब जो है इसमें लगा देना है ग्रीस, ये जो हम ले रहे हैं ये वाला पार्ट, इसमें लगाना है ग्रीस। और ये जहाँ पे मैं ग्रीस लगा रहा हूँ इस जगह पे बहुत ज़्यादा जंग लगा था, तो मैंने पेपर मार दिया, पेपर मार के इसे क्लीन कर लिया, जो रेगमाल पॉलिश पेपर आता है उसी से क्लीन कर लिया। और इसे ग्रीस दोनों साइड में लगा देना है, और ये पट्टी जो है ये वाली, इसके ऊपर पैड चलते हैं ये पट्टी के ऊपर, तो ये पट्टी लगाना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पर इसे लगा देना है। अब इसे पट्टी को पकड़ के रखना है इस तरीके से, कैलिपर को पकड़ना है और दोनों रबर में इन दोनों को बिठा देना है। और चलो बिठाते हैं, और इसको बिल्कुल आराम से जाना चाहिए, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये वाला पार्ट, बिल्कुल आराम से रबर में बैठ जाना चाहिए। टाइट बैठेगा तो ब्रेक जाम करेगी और व्हील जाम होगा, बिल्कुल फ्री बैठ जाना चाहिए। देखो बिल्कुल फ्री है। अब इसके जो पैड दोनों हैं डिस्क पैड, इन्हें बिठा लेते हैं। ये देखो बिल्कुल आराम से पट्टी में बिठा देंगे, ये बैठ गया, थोड़ा सा इधर खींच देते हैं, ये दूसरा वाला जो है यहाँ पे लगा देंगे, ये हो गया। अब इन्हें पकड़ के रखेंगे, थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, ये पकड़ के रखेंगे और इसे मैं डिस्क प्लेट में दोनों पैड को बिठा दूंगा, ये बैठ गया। अब इनके जो दो बोल्ट हैं वो लगा के हम डिस्क कैलिपर को टाइट कर लेते हैं, आराम से बिल्कुल चेंज हो गई रबर। अभी हमने कैलिपर इसका कंप्लीट कर लिया है फिटिंग, और इसमें पिले अब नहीं है, हल्की पिले रहती है, हल्की पिले रहेगी पर ज़्यादा नहीं रहेगी, अगर ज़्यादा है तो फिर ये आवाज़ करेगी। तो इसकी जो आवाज़ है कंप्लीट पूरी तरीके से 100% बंद हो गई है। ये दो रबर हमने चेंज किया है, बाकी लेना पूरी किट पड़ता है, पूरी किट में ही मिलती हैं ये दोनों रबर, अलग से नहीं मिल पाती हैं। तो इन्हें हमने चेंज कर दिया, जो डिस्क की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ बंद हो गई है। ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।